तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन में हमें क्या करना है कि पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। तो पहले हमें सबसे पहले हमें प्रेशर का डाइमेंशनल फार्मूला बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स का होता है ML T - 2, और एरिया का L का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ML L की पावर -1 T की पावर -2। तो ये रहा प्रेशर का डाइमेंशनल फार्मूला। और भी जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डाइमेंशनल फार्मूला लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब L की पावर Q। टी अब्सोल्यूट टेम्परेचर है, थीटा अब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका डाइमेंशनल फार्मूला K होगा केल्विन। ए भी कॉन्स्टेंट है, तो कहता है डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। तो ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस है क्वेश्चन। तो अगर पी प्लस यहाँ से ए अपन बी स्क्वायर का सम हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है उन्हीं का सम होगा जिनका नेचर और नेचर यूनिट और डाइमेंशनल फार्मूला ये तीनों सेम होने चाहिए। तो अगर पी कोई फोर्स है मान लो, तो ए अपन बी पी प्रेशर है, तो ये अपन बी स्क्वायर भी प्रेशर होगा। तो पी का ये डाइमेंशनली सेम होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े हो गए यहाँ से। तो ए का डाइमेंशनल फार्मूला आएगा प्रेशर पी और मल्टीप्लाइड बाई वी का स्क्वायर। तो प्रेशर का तुम पहले ही निकाल चुके हो, ML की पावर -1 T की पावर -2, और यहाँ से भी वॉल्यूम L की पावर Q, और यहाँ से जब स्क्वायर चढ़ाओगे तो 6 हो जाएगा। तो ये ML की पावर -1 T की पावर -2 और L की पावर 6। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल कंक्लूजन ये है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए निकल के जो आएगा वो होगा ML L की पावर 5 और T की पावर -2। तो यहाँ पर देखते हैं ML L की पावर 5 और T की पावर -2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मैच करता है, बाकी सारे अपने गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।